दोस्तों, आज ONDC की चर्चा चारों तरफ है और ज्यादातर लोग इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझने की गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ONDC UPI की सफलता से प्रभावित होकर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, जो फिलहाल तो अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी सफलता ई कॉमर्स मार्केट में तूफान ला सकती है। आज की हमारी वीडियो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC की बारीकियों को बताने के साथ ही ये भी जानकारी देगी कि आखिर गवर्नमेंट क्यों हमारी जिंदगी से जुड़ी हर एक्टिविटी को डिजिटलाइज करना चाहती है। सब कुछ ऑनलाइन होने से आखिर गवर्नमेंट को क्या फायदा है, तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। ONDC को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा, जब हम अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए आसपास के मार्केट जाया करते थे और फल, सब्जी, दवा या फिर ग्रोसरी आइटम्स के लिए हमारा एक फेवरेट दुकानदार हुआ करता था। यहाँ तक कि कपड़े भी हम दर्जी से सिलवाते थे। सब कुछ ऑफलाइन था और छोटे मोटे बिजनेसमैन और दुकानदारों की भी रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन ये सारे लेन देन कैश में होते थे, जिसकी वजह से किसने कितना बिजनेस किया, कितना ट्रांजेक्शन हुआ और टैक्स की क्या लाइबिलिटी बनी, इन सब का कोई हिसाब नहीं था और गवर्नमेंट को टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिल पाता था। और जैसा कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादातर पैसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में ही आता है, जिसे देश के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। कैश ट्रांजेक्शंस को कम करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही समझदारी से जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की और लोगों को बताया कि सब कुछ डिजिटल हो जाने से उनकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी और लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए मोटिवेट किया जाने लगा। और यही नहीं, जनधन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में करोड़ों बचत खाते खुलवाकर उन्हें आधार से लिंक कराया गया, जिससे कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का फायदा डिजिटल माध्यम से बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा सके। अब जहां धीरे धीरे लोगों का झुकाव डिजिटल ट्रांजेक्शंस की तरफ बढ़ने लगा, वहीं दो घटनाओं ने इस मुहिम को और हवा दे दी। पहली घटना हुई 8 नवंबर सन 2016 को डीमोनेटाइजेशन के रूप में, जब सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने की वजह से मार्केट में कैश की शॉर्टेज हो गई। और दूसरी घटना सन 2020 में तब हुई, जब कोरोना पैंडेमिक ने लोगों को घरों में बंद कर दिया। असल में अब डिजिटल ट्रांजेक्शंस के अलावा लोगों के पास कोई चारा ही नहीं था और इसी का जबरदस्त फायदा गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में लॉन्च किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को मिला, जिसकी मदद से हम सेकंड्स में पैसे का लेन देन किसी भी बैंक में कर सकते हैं। दोस्तों, इस डिजिटल इंडिया कैंपेन से जहां लोगों की लाइफ तो इजी हुई, वहीं हमारे आसपास के छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए और उनसे जुड़े हुए लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दरअसल हुआ यूं कि लोग अपनी जरूरत की चीजें जैसे ग्रोसरी, कपड़े, हाउसहोल्ड, फूड्स एंड वेजिटेबल्स ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे और ये सब पॉसिबल हुआ मार्केट में मौजूद अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्विगी जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जहां बायर और सेलर एक एप्लीकेशन के जरिए कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं और बायर अपने पसंद का सामान ऑनलाइन पेमेंट करके उनके लॉजिस्टिक पार्टनर के जरिए मंगा लेता है। देखते ही देखते कुछ बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने मार्केट पर कब्जा करके लोकल मार्केट से सस्ते दाम पर सामान बेचने लगी। और अगर इन कंपनियों के कमाई के तरीके की बात करें तो ये ई कॉमर्स कंपनियां दो तरीके से कमाती हैं। पहला तरीका है मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें ये सेलर और बायर के बीच मोटा कमीशन लेकर सिर्फ मीडिएटर का काम करती हैं। और दूसरा तरीका है इन्वेंट्री मॉडल, जिसमें ये ई कॉमर्स कंपनियां सेलर से सस्ते रेट पर बल्क में माल परचेज करके अपने गोदाम में रख लेती हैं और लोकल मार्केट से कम दाम पर सेल कर देती हैं। अब चूंकि छोटे व्यापारी इतना बल्क में तो ऑर्डर कर नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें ये सामान महंगे रेट पर मिलते हैं और धीरे धीरे वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक निर्देश भी जारी किया कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, लेकिन इसका भी तोड़ कंपनियों ने निकाल लिया और मुखौटा कंपनी बनाकर यानी कि दूसरे नाम से कंपनी बनाकर प्रोडक्ट को सेल करने लगे। दोस्तों, इन ई कॉमर्स कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम उनका एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद वही प्रोडक्ट देख या खरीद सकते हैं जो लिस्टेड है और असल में उन्हीं प्रोडक्ट्स को फ्रंट पेज पर प्रमोट किया जाता है या फिर अच्छी रेटिंग दिखाई जाती है, जिससे उनको अच्छा कमीशन या प्रॉफिट मिल रहा होता है, यानी कि पूरा फोकस क्वालिटी पर नहीं कमीशन पर होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इन कंपनियों के पास यूजर्स का कंप्लीट डेटा रहता है कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है और किस प्राइस रेंज में सेल हो रही है, और उस डेटा का इस्तेमाल करके वो अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। अब चूंकि ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियों का कंट्रोल विदेशी हाथों में है, इसलिए हमारे देश से बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। अब गौर करने वाली बात ये भी है कि छोटे सेलर्स इन ई कॉमर्स कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक
ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए वेबसाइट, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग के बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो छोटे सेलर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक तरफ जहां व्यापारी लोग गवर्नमेंट से नाखुश चल रहे थे, वहीं अब ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी की वजह से आम लोगों की भी शिकायतें गवर्नमेंट को मिलने लगी, जिसे सीरियसली लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने DPIIT को इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया, जिस पर एक्शन लेते हुए DPIIT ने 9 सदस्यों की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसमें इन्फोसिस के को फाउंडर मिस्टर नंदन नीलेकणी का विशेष योगदान है। और लगभग एक साल के वर्किंग के बाद इस कमेटी ने एक ऐसे ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके इस्तेमाल से ई कॉमर्स कंपनियों की डिजिटल मोनोपोली को खत्म किया जा सके। दोस्तों, ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स नेटवर्क के बीच का फर्क हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जहां गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, जिसे कई मोबाइल कंपनियां अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसे यूज कर सकती हैं। लेकिन वहीं एप्पल के आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड सोर्स है, जिसमें लीगली कोई चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं ONDC आखिर काम कैसे करेगा। दरअसल ONDC एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ओपन सोर्स नेटवर्क है, जिसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ छोटे व्यापारी और रिटेलर्स भी यूज कर सकते हैं और सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। अब अगर किसी को कोई सामान ऑनलाइन खरीदनी हो तो उसे अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ ONDC एप्लीकेशन के जरिए सर्च करना है और सर्च रिजल्ट में अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे बिग प्लेयर के साथ साथ छोटे सेलर्स के भी प्रोडक्ट दिखेंगे। इस तरह ONDC कस्टमर्स को ये फ्रीडम देता है कि वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर जाए बिना डायरेक्टली चीजें परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ शॉपिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूचर में होटल, ट्रेवल और ऑनलाइन फूड जैसे सर्विसेज भी ONDC पर अवेलेबल होंगे। साथ ही ONDC का अपना एक यूनिफाइड रेटिंग सिस्टम भी होगा, जहां प्रोडक्ट्स, सेलर्स, कस्टमर्स एंड इवन डिलीवरी पार्टनर्स को भी उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग रेट किया जाएगा। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट, जो 2021 में $38 बिलियन की थी, वो साल 2026 तक $140 बिलियन तक पहुँच जाएगी। और इसी पोटेंशियल को समझते हुए गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल इन सेलर्स को ऑनलाइन लाने के लिए ONDC को सभी के लिए फ्री रखा है, यानी कि UPI की तरह ONDC पर भी सेलर्स को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़ सके। ONDC सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं बल्कि सेलर्स और डिलीवरी बॉयज के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें छोटे सेलर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनकी बिजनेस रीच, जो पहले सिर्फ उनके गली मोहल्ले तक लिमिटेड थी, वो अब पूरे देश में फैल जाएगी, क्योंकि ONDC पर किसी भी सेलर को देश के किसी भी हिस्से से ऑर्डर आ सकता है। साथ ही इसमें ऑर्डर्स के पेमेंट UPI के थ्रू होंगे, जिसके चलते सेलर्स को पेमेंट रिसीव करने में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। जबकि सेलर्स के अलावा यहाँ कस्टमर्स को ये बेनिफिट है, उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी भी ऐप के साथ बंधना नहीं होगा। और साथ ही कुछ सेलर्स आपके लोकल के होने की वजह से प्रोडक्ट्स की डिलीवरी काफी तेज हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमर्स के पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जहाँ वो सभी सेलर्स के प्राइस को कंपेयर करके प्रोडक्ट्स को चीपेस्ट प्राइस पर परचेज कर पाएंगे। ठीक इसी तरह बहुत सी छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि लोकल डिलीवरी करने के लिए सेलर्स को अलग अलग डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो लॉजिस्टिक कंपनीज बड़े लेवल का काम नहीं कर सकती, उन्हें ONDC के जरिए एक अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। ONDC को गवर्नमेंट ने 29 अप्रैल 2022 को एक ट्रायल के तौर पर देश के 5 शहरों दिल्ली NCR, बेंगलोर, भोपाल, शिलांग और कोयम्बटूर में लॉन्च कर दिया है, जिसके सफल होने पर आगे और शहरों में भी लॉन्च करने की योजना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया कैंपेन और ONDC का मकसद समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।